हाय एम्पियंस, तो आज से हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और जस्ट बेसिकली हम लोग इसमें सिलेबस को एनालाइज करने वाले हैं। भैया सिलेबस तो हम जानते हैं, हम लोग इस बैच में कैसे चीज़ों को चलाएंगे, मतलब इस बैच में कैसे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग क्या क्या फॉलो करेंगे, हम किस तरह से आपको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें, आपको कैसे पास आपके पास पहुँचेंगी, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, कम भी ध्यान देना होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हमें समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ज्योग्राफी है बेसिकली ये कुछ कुछ सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे पहला देख ले हम लोग भौतिक भूगोल है, दूसरा इन्वायरमेंट भूगोल है, फिर आपका प्रादेशिक मतलब बेसिकली इंडिया के बारे में जानना है, यही मेजर है आपका। फिर उसके बाद कृत्रिम उपग्रह मतलब आपका आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। सेटेलाइट क्या होता है भैया? गूगल मैप यूज करते हो? कोई भी मैप वगैरह गूगल मैप ही चलता है, वही यूज करते हो तो वो कैसे काम करता है, जैसे इसका आधार है, हल्का सा आइडिया हम लोग को यहाँ पर मिलता है। तो इसको हमें समझना है। सबसे पहले समझिए जो हम लोग का भौतिक भूगोल है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। पहली बात, भौतिक भूगोल में देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, आपका ये तीनों चैप्टर मार्च कर दिया जाता है। मतलब समझिए, पहला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि हम लोग का धरातल की स्थितियाँ क्या है, यानी हम लोग का ज्वालामुखी कैसे, क्या ज्वालामुखी क्या होता है, भूकंप क्या था, हल्का सा आइडिया, गड्ढा वड्ढा, घाटी उटी, ये नदी के बारे में, हिमनद के बारे में, ये सब हम लोग चैप्टर 1 में आइडिया लेते हैं। दूसरा वायुमंडल लेते हैं, वायुमंडल में कितना लेयर वगैरह है, बारिश कैसे होता है, ऊष्मा क्या होता है, हवाएं कैसे चलती है, ये सब हमें समझना है। तीसरा क्या हुआ हम लोग का जलमंडल, यानी हम लोग का ज्वार भाटा कब आता है, समुद्र क्या होता है, समुद्र तो बेसिकली जानते हैं, लहर और धारा क्या होता है, इसको हमें समझना है बस, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे पाएंगे कि जो हम लोग का भौतिक भूगोल है, यानी हम लोग का ये जो भूमंडल, यानी पहला चैप्टर आपको धरातल के बारे में समझा दिया, दूसरा चैप्टर आपको वायुमंडल के बारे में समझा दिया, और तीसरा जो चैप्टर है बेसिकली आपको जलमंडल के बारे में समझा दिया। तो ये जो तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर से मिला के, यानी ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आप इसको समझ सकते हैं कि भैया इस चैप्टर से कितना आएगा हम यही करके चाहिए, नहीं, ऐसा हम इसको नहीं अप्रोच कर सकते। इस सेक्शन से ही मिला के आपको बोर्ड में आता है 32 मार्क्स। कितना आता है भाव? 32 मार्क्स, यानी 32 नंबर आपका ये सेक्शन लेके आता है, ठीक है। और वो कैसे रहता है ये ध्यान दीजिए। जैसे इसमें आपको क्या मिलने वाला है, 6 MCQ मिलेगा। किससे? ये पहला आपका जो भौतिक भूगोल है, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से मिला के, ठीक है। अब किसी हो सकता है चैप्टर 1 से आपका 2 दे दे, इससे 2 दे दे, या इससे 2 दे, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है इससे 2 दे दे, इससे 3 दे दे, इससे 1 दे दे, मतलब जैसे भी मिला के इन तीनों चैप्टरों का, यानी भौतिक भूगोल जो सेक्शन है उससे मिला के आपका 6 MCQ रहना है, ठीक है। फिर आपका 9 आपको VSA मिलेगा, यानी वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहता है आपका, यानी वन सेंटेंस में आपका, यानी एक वाक्य में जो देना रहता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 मिलेगा, 3 नंबर वाला क्वेश्चन 1 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2। यहाँ से मैप वगैरह कुछ आता नहीं है, तो यहाँ से आपका मिल कितना गया, 32 नंबर मिल गया। कितना मिल गया? 32 नंबर। जो आपका इन्वायरमेंट भूगोल है, यानी उससे आपको क्या मिलने वाला है, उससे आपका एक ही चैप्टर 4 जो है, वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हम लोग का अवशिष्ट प्रबंधन, यानी हम लोग का कचरा उचरा कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, कचरा को कैसे रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, उसका हल्का सा आइडिया, उससे आपको कितना नंबर मिलने वाला है बाबू? 8 नंबर मिलने वाला है। उससे कितना नंबर मिलने वाला है? 8 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से 1 MCQ और आपका 2 एक-एक नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन, और यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, कोई मैप नहीं रहता, मिला के कितना नंबर? 8 नंबर। यहाँ तक आपका कितना नंबर हो गया बाबू? 40 नंबर हो गया, क्योंकि 32 नंबर आपका भौतिक भूगोल और ये आपका इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी है, यानी आपका अवशिष्ट प्रबंधन इन चैप्टर 4 जो है वो 8 नंबर, यानी 32, 8, 40 आपका कवर हो गया, ठीक है। बचा हुआ भैया 50 नंबर कहाँ से आता है? 90 नंबर का ही आपका बेसिकली पेपर आता है, 10 नंबर आपको स्कूल से मिलता है, प्रोजेक्ट वगैरह में रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये समझिए कि ये जो आपका बचा हुआ 50 है उसमें से जो 42 नंबर है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? वो चैप्टर 5 पे डिपेंड करता है, यानी इंडिया के बारे में पढ़ने से आपको कितना नंबर मिलेगा? 42 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 42 मार्क्स। इसमें जो 32 मार्क्स रहता है वो आपका थ्योरी क्वेश्चंस पे रहता है और 10 मार्क्स जो रहता है वो मैप पे रहता है, यानी 10 नंबर जो आता है आपका मैप पे आता है, 32 नंबर क्वेश्चंस पे आता है। कैसे आता है? जैसे समझिए 6 MCQ, 9 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर वाला 2, 3 नंबर वाला आपको 1 मिलेगा और 5 नंबर वाला 2 मिलेगा और 10 नंबर का आपको मैप, ऐसा मिला के आपको कितना हो जाता है? 42 नंबर हो जाता है। यानी आपको एक लगभग लमसम आइडिया लगा होगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो है आपका जो है ये उपग्रह वाला है, ये आपका डायरेक्ट 8 नंबर का रहता है, जिसमें आपका 2 MCQ, 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 तो 2 नंबर वाला, 1 तो 3 नंबर वाला मिला के आपका हो जाता है 8 नंबर। तो यहाँ से आपका 90 नंबर पूरा होता है। अब हम लोगों को ध्यान देना ये है कि हम लोगों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ऐसा नहीं कर सकते
कि केवल हम 5 चैप्टर पे ही डिपेंड हो जाए, या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि समझिए कि अगर हम मान लेते हैं पूरा अपना डिपेंडेंसी 5 चैप्टर पे फोकस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके हाथों में है 42 नंबर, अगर पूरा 100% करते हैं तो। अगर हम डिपेंडेंसी इसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टरों को हम कर दे रहे हैं तो हमारा 42 नंबर ऐसे ही निकल गया, मतलब ये 50% पर खेल रहा है, ठीक। इसके साथ हमें चीज़ों को लेके चलनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी 5 चैप्टर में स्टार्ट किए, 5 चैप्टर ख़त्म होगा तब बाकी शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि तब तक लेट हो जाएगा और बाकी सब चैप्टरों के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि बाकी सारे चैप्टरों को हम ख़त्म करके तब 5 चैप्टर में जाएं, तो बाकी सारे चैप्टर तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये लास्ट में स्टार्ट होगा, तो आपको इसमें रिविज़न करने का, इसमें मैथ प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलने वाला। हमें चीज़ों को पैरेलल लेके चलनी होगी, यानी एक साथ चीज़ों को डील करना होगा। मतलब क्या करना होगा, एक साथ हम लोग भौतिक को स्टार्ट करेंगे, यानी भौतिक वाला सेक्शन को हम लोग एक साथ देखेंगे। ये बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, बेसिकली इतना समझिए ये इतना छोटा छोटा है कि बेसिकली इसमें आपका 5 से 6 क्लासेस लगेंगे, इसमें समझिए कि 4 से 5 क्लासेस, और ये तो 2 क्लास का काम ही है, और इसके बाद वाला जो आपका 4 चैप्टर है वो 2 क्लास का काम है। मतलब आप समझिए लमसम 5 और 5 10, 10 2 12, 14 क्लास, और 14 क्लास इसमें हम लोग लेंगे, और पैरेलली उसके साथ हम लोग जो चलेंगे 14 क्लास हम लोग इधर ले लेंगे, 14 से 15 क्लास इधर ले लेंगे। तो आपका क्या होगा कि दोनों एक साथ कंप्लीट हो चुका रहेगा, उसका फिर हम लोग का जो 6 चैप्टर बचा है वो तो आपका 1 से 2 क्लास का काम है। ऐसे हम लोग डील करेंगे, बस समझ में आया। और 5 चैप्टर हमें एक इनिशियल स्टेज में हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या पड़ेगा, आपका इसमें मैप प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका 10 नंबर वहाँ से डिपेंड कर रहा है। और मैप का आइडिया लेने से बहुत सारा MCQ भी क्लियर हो जाता है, जो MCQ उसके मैप को आधार लेते हुए कहीं ना कहीं पूछा जा रहा होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे समझिए कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, ये आपको मैप में भी पूछा जा सकता है और MCQ में पूछा जा सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अगर आप मैप पे उस चीज़ को दर्शा दिए तो उस जगह का नाम तो जानिएगा ना, तो नाम तो ऐसे ही पता चल गया तो आपका MCQ भी डील हो गया। तो बहुत सारा चीज़ें मैप के साथ पहला चल रही होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपका वीक में 2 क्लासेस ज्योग्राफी के हैं, जिसमें आपको हम लोग 1 क्लास जो करेंगे चैप्टर 5, और जो 1 क्लासेस होंगी हम लोग इधर डील कर रहे होंगे, बस समझ में आया। और ये बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में चीज़ें निकल जाएंगी, तो आपके पास इस चीज़ को भी करने का टाइम रहेगा, और एक साथ पैरेलली आपके चीज़ें चल रही होंगी, तो कोई चीज़ पीछे नहीं छूटेगा, और टाइमली सिलेबस 100% बहुत अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, बस समझ में आया। तो हमें उम्मीद है कि आप चीज़ों को सिलेबस का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं भाव चैप्टर 1 और चैप्टर 5 एक साथ चीज़ें चलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। और बात एक बात का ध्यान दीजिए बाबू, चैप्टर 1 तो ठीक है बेसिक है चीज़ें समझ में आएंगी, और चैप्टर 5 के लिए 1 से 2 क्लासेस हम बेसिक के तौर पे लेंगे। बेसिक के तौर पे कि जैसे समझिए कि जो ज्योग्राफी का किताब है बाबू, वो ज्योग्राफी के भाषा में ही लिखा रहता है, मतलब भैया कहना क्या चाहते हैं। जैसे समझिए कि आपको अभी हम बोले कि जैसे आप चले जाइए 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में चले जाइए, आपका हालत ख़राब हो जाएगा, ये भाषा ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में आया। तो इस भाषा को समझना, उत्तरी गोलार्ध में 35.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, अब ये दिमाग घूमेगा आपका। तो ये जो भाषाएं में लिखी रहती हैं ज्योग्राफी का, जो भी किताबें फॉलो करते हैं वैसे लिखी रहती हैं, तो ऑल दोज वो चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, उस भाषा को समझना सबसे पहले हम लोग 2 क्लास उसमें लेंगे, यानी वो 2 क्लास जो आपकी होंगी वो बेसिक होंगी, उस बेसिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 5 को हाथ लगाएंगे, और ये तो आपका सीधे चल जाएंगे, सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई इतना हार्ड है नहीं। और कुछ भी चीज़ अगर इसमें कुछ आता है बेसिक, तो हम लोग चीज़ें साथ में डिस्कस करते जाएंगे, बट इसके लिए 2 क्लासेस आपको पहले लेनी है, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद 5.A का जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, भारत की स्थिति को हमें जानना, उसके लिए 1 क्लास लगेगा, चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। मतलब इसका चैप्टर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है, मज़ा आता है इसमें, बेसिकली अपने देश के बारे में ही जानना है। बट क्या है कि इसका जो भाषा में लिखता है, उस भाषा को पहले हमें तोड़ना होगा कि उस भाषा को हम लोग आसानी से समझ पाएँ। पहले हम लोग उस भाषा को समझेंगे, फिर उसके लिए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीक में 1 डिज मिलेगा आपको चैप्टर 1, और आपको मिलेगा चैप्टर 5, तो 2 सेक्शन आपके चल रही होंगी। आपको उसी हिसाब से आप जाएंगे वहाँ पर नोट सेक्शन में, तो नोट में चैप्टर 1 का नोट्स मिलेगा, फिर चैप्टर 5 का नोट्स मिलेगा। आप जैसे जैसे जो जो क्लास करते जाएंगे नोट्स को आप फॉलो करते जाएंगे। फिर आपका DPB सेक्शन में भी सेम DPB क्लिक करेंगे, DPB के बाद 2 फोल्डर मिलेगा, नोट्स और चैप्टर 1 चैप्टर 5 DPB के अंदर में, तो आप उसको क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आप चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ही फॉलो करते हुए हम चीज़ों को चलेंगे, जैसे चैप्टर 1 खत्म फिर चैप्टर 2 भी आपका हो जाएगा, चैप्टर 3 चैप्टर 4 भी आपका हो जाएगा।
इस चीज़ों को लेके आप परेशान मत होइएगा, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा होगा कि भैया ये चीज़ें टाइम लेंगी, नहीं, ये सब सारी चीज़ें में टेंशन नहीं है, क्योंकि और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा डाटा है भी नहीं। ज़्यादा दिक्कत होता है चैप्टर 5 में बच्चों को, तो इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा फोकस में रखेंगे, यानी मतलब मैक्स मेहनत हम लोग इस पर करेंगे और ये सब सारी हमारे लिए बोनस पॉइंट रहेंगे, इसके साथ अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। बस समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से कुछ स्टार्ट करेंगे और जो हम लोग का फर्स्ट आपका जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाला है वो चैप्टर 1 का हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 5 का आपका बेसिक के साथ हम लोग चीज़ों को करते जाएंगे। बस समझ में आया? चलिए फिर हम लोग चैप्टर 1 का वीडियो मिलते हैं, फिर आपका चैप्टर 5 में भी मिलेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप पढ़ाई करते हैं।